नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। दिल्ली में विश्व मानद समाज कल्याण परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 72 सालों से देश की जनता को छल रही है राजनीतिक पार्टियां। दिल्ली में विश्व मानव समाज कल्याण परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसान ही आए दिन कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार आंकड़े बताते हुए अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है। मोदी सरकार में बेरोजगारी मूल समस्या बन गई है, जिससे गरीबी, भुखमरी, नक्सलवाद, आतंकवाद आदि का जन्म हुआ है। सरकार का कोई भी विभाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा। देश के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाकर जात पात पर लगा दिया गया है सरकार ने। ऐसे में विश्व मानव समाज कल्याण परिषद देश की जनता के हित में जनता की मूलभूत आवश्यकताओं, जो जीवन यापन करने व भरण पोषण की सभी जरूरतों को संविधान के अनुरूप उपलब्ध कराने में जुटी हुई है। जनता को चाहिए कि बेईमान नेताओं को हटाकर सही उम्मीदवार को चुने। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा। भरत जी, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आप एक नई पार्टी बनी हुई है। थैंक यू बेटा। तो इस नई पार्टी के थ्रू आप गरीबों के लिए क्या क्या वो लेके आए हैं? गरीबों के लिए ही तो हमने अपनी पार्टी बनाया है, केवल गरीबों के लिए ही। अब गरीबों के ही तो जरूरत है, और तो अमीरों को क्या जरूरत है, उनका तो मालो माल है। तो आप गरीबों के लिए मतलब क्या क्या लागू करेंगे, जिससे गरीबों को लागू करेंगे? नौकरी सर्वप्रथम, बेरोजगारी ही सारे समस्याओं का जड़ है। बेरोजगारी का गरीबी होती है, गरीबी का बिगड़ा रूप आतंकवाद, नक्सलवाद, चोरी, डकैती, खून खराबा, ये सब गरीबी से ही जो है उठता है। भरत जी, अगर जनता आपकी पार्टी को चुनती है, पहला सर्वप्रथम काम क्या होगा जनता के लिए जो आप करेंगे? पहला सर्वप्रथम तो हम यह करेंगे कि एक पाकिस्तान देश 22 करोड़ आबादी है उसकी, तो 12 करोड़ वो बनाए है फौज, 1.5 अरब लगभग आबादी आपके भारत की पहुंच रही है, ये 13 करोड़ बनाए, 13.5 करोड़ जी। भूभाग इसका ज़्यादा है, सीमाएं बहुत बड़ी संख्या मतलब किलोमीटर में खुली पड़ी है, इसका कोई देख रेख नहीं है, उसको हम रोकेंगे। जैसे कि आपकी पार्टी नई है, तो सर क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जी, तो किन मुद्दों को लेकर बुलाई है और आपने ये पार्टी स्टार्ट की है कि नई पार्टी बनाई है जी, क्या क्या मुद्दा है इसमें और क्या क्या आप गरीबों को देंगे जी? अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। नंबर दो पर विकास की किरण ग्राम सभा के स्तर से शुरू होगी, न कि शहर के स्तर से। शहर के स्तर से जो कार्य होगा, जो आप दिल्ली प्रदेश को हम देख रहे हैं, जब से आए हैं यहाँ कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। कुछ ही प्लेस ऐसे हैं कि जहाँ पर साफ सफाई सुंदर चल रही है, वरना पूरा दिल्ली शहर, तो जो जिस घर में रह रहा है, उस घर की जब सफाई, उस घर की दुर्दशा को जब नहीं दुरुस्त कर सका है, तो वो राष्ट्र की सफाई क्या करेगा? सबसे पहले दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। यूएफटी न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।